हॉन्टेड स्विमिंग पूल। मारियो अपने बेटे के पैदा होने के बाद परिवार समेत गांव से शहर में आकर बस गया था। शहर में रहने के खर्चे बहुत थे, तो मारियो सुबह से लेकर देर रात तक अलग अलग जगह साफ सफाई का काम करता था। कुछ ही दिनों में उसकी एक स्विमिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में नई नई नौकरी लग गई थी। काम ज्यादा नहीं था, बस रात को 9-10 बजे की कोचिंग के बाद अगली सुबह 4-6 बजे की अर्ली मॉर्निंग कोचिंग के लिए स्विमिंग पूल को अच्छी तरह से साफ करना था। पर अपनी इस नई नौकरी की पहली रात को जो भयानक घटना मारियो के साथ होने वाली थी, उसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो इंस्टीट्यूट अमेरिका के बेस्ट स्विमिंग इंस्टीट्यूट में से एक था। उस इंस्टीट्यूट में कई सारे स्विमिंग पूल्स थे, जिसमें से एक पूल नंबर 7 की ड्यूटी मारियो की थी। अपनी नौकरी के पहले दिन मारियो अपने टाइम से भी पहले पहुंच गया और कोचिंग खत्म होने का वेट करने लगा। पूल नंबर 7 में जहां सब लोग स्विमिंग कर रहे थे, वहीं मारियो को अंधेरे में एक लड़की दिखी जो बस उस पूल के एक कोने में खड़ी पानी को घूरे जा रही थी। मारियो उसे ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक पूल का मैनेजर वहां आ गया। जब मारियो ने पलटकर उस लड़की की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था, बल्कि वो लड़की उस पूरे पूल एरिया में कहीं नहीं दिख रही थी। मारियो को उस लड़की का अचानक 2 सेकंड में वहां से गायब हो जाना बेहद अजीब लगा। वो कुछ और सोच पाता कि उससे पहले ही मैनेजर ने मारियो को काम समझाना शुरू कर दिया। कुछ देर में कोचिंग खत्म हो गई और मारियो ने पूल की सफाई करना शुरू कर दिया। रात के करीब 12 बज रहे थे और उसके अलावा उस पूल एरिया में कोई भी नहीं था। मारियो जब सफाई करते करते थक कर पूल के दूसरे कोने तक पहुंचा, तो उसे दरवाजे के पास एक परछाई दिखी। उस वक्त वहां किसी और का भी होना थोड़ा अजीब था। उसने जोर से आवाज देकर पूछा कि वहां कौन है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। मारियो फिर से और जोर से आवाज लगाने लगा, कौन है, कौन है वहां? जब उसे कोई जवाब नहीं आया तो वो अपना काम छोड़कर दरवाजे के पास जाने लगा। जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, वही लड़की जिसे उसने कुछ देर पहले पूल के पास खड़े देखा था, उस दरवाजे के पीछे से निकलकर बाहर की ओर भागी। मारियो भी उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन वो लड़की न जाने कहां गायब हो गई। बाहर बैठा गार्ड अपनी नींद पूरी कर रहा था। मारियो उसके पास गया और उसे नींद से जगाकर उस लड़की के बारे में बताने लगा। गार्ड भी हड़बड़ी में उठा और वो दोनों उस लड़की को पूरे इंस्टीट्यूट में ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते रात के 1 बज गए थे और सुबह की कोचिंग वाले स्विमर्स बस 2 ही घंटे में आना शुरू कर देते, इसलिए मारियो फटाफट अपने काम पर वापस लग गया। काम करते करते उसको अचानक पानी में किसी चीज के हिलने की आवाज आई। वो मुड़ा और उसने देखा कि पानी एकदम शांत था और उस पूरे पूल के कॉम्प्लेक्स में एकदम सन्नाटा था। वो उस आवाज को किसी कीड़े की हरकत समझकर अपना काम करने लगा। पूल के आसपास का फर्श साफ करके वो पूल की तरफ मुड़ा और आखिरी बार ये चेक करने लगा कि पूल अच्छे से साफ हो गया है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो पूल के पास पहुंचा और उसने पूल के अंदर देखा, तो उसे पूल के नीले पानी के अंदर एक लड़की का शरीर दिखा जो पूरी तरह से सफेद पड़ा था और उस लड़की के बाल धीरे धीरे पानी के ऊपर आ रहे थे। वो उसी लड़की का शरीर था जिसे मारियो ने कुछ देर पहले देखा था। मारियो बहुत ज्यादा डर गया। उस लड़की की लाश ऊपर आ रही थी। मारियो घबराते हुए उस लाश को निकालने के लिए पूल के करीब गया, तो उस लड़की की लाश ने अचानक अपनी आंखें खोली। उस लड़की का चेहरा सफेद पड़ा था और आंखें एकदम लाल थीं। मारियो उसे देखते ही घबरा उठा और डर के मारे उसका पैर फिसल गया और वो पानी से भरे उस पूल में गिर गया। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की, तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं और वो पानी के अंदर खिंचता चला गया। मारियो खूब जोर से चिल्लाने लगा, पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था और वो पानी के अंदर डूबता जा रहा था। अब पानी मारियो के मुंह और नाक में जाने लगा था।
मारियो की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी आंखें खुली तो उसके सामने वही लड़की थी जिसका शरीर पानी में पड़ा था। वो उस लड़की को देखकर और घबरा गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कुछ देर बाद जब उसने वापस आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वहां सुबह की क्लास के लोग और वो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और वो लड़की दूर दूर तक कहीं नहीं थी। जब उसने उन सबको देखा तो वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जब उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बयान किया तो उसे एक लड़का एक किनारे में ले गया और उसने मारियो को कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मारियो की रूह कांप उठी। उसे पता चला कि करीब साल भर पहले एक 19 साल की लड़की एल्बर्टा इसी स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी। एल्बर्टा उस इंस्टीट्यूट की बेस्ट स्विमर थी और वो रोज पूल नंबर 7 में रात में प्रैक्टिस करने आती थी। उस इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट ने जलन में आकर एक रात एल्बर्टा के साथ शरारत करने के बहाने उसे डुबा दिया और वहां से चली गई। उस स्टूडेंट को यह नहीं पता था एल्बर्टा को उस दिन पूल के अंदर जाते ही कंकशन हो गया था जिसकी वजह से वो पानी में बेहोश हो गई और उसकी पानी में डूबने के कारण मौत हो गई थी। ये सब सुनकर मारियो की हालत बहुत खराब हो गई। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक आत्मा ने किया था, ये सोचकर वो अंदर से घबरा चुका था। उस लड़की का चेहरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था, इसलिए उसने अगले ही दिन वो नौकरी छोड़ दी। उस इंसिडेंट के बाद मारियो के मन में हमेशा के लिए पानी का डर बस चुका था। उसने पूल नंबर 7 वाली नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन उस रात के सपने उसे आज तक सोने नहीं देते और शायद आज भी एल्बर्टा की आत्मा पूल नंबर 7 में भटकती है। दोस्तों 2022 में आपने हमारे पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय कूनी मंडे को स्पॉटिफाई का बल्कि पूरे इंडिया का टॉप पॉडकास्ट बनाया है, तो अपना प्यार बरकरार रखो और हमें स्पॉटिफाई पर भी फॉलो करते रहो। जिसने फॉलो नहीं किया वो स्पॉटिफाई पर जाओ, द हॉरर शो बाय कूनी मंडे सर्च करो और बस बेल आइकन दबाओ और सुनते जाओ हमारी दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।